हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। मैं हूं अनुराधा और आप सभी के लिए आज लेकर के आई हूं आज का करंट अफेयर्स 17 जुलाई 2021 का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? मिताली राज। किस राज्य ने दरबार मूव को 149 साल पुरानी प्रथा को समाप्त किया? जम्मू कश्मीर। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी? सिरिसा बांदला। एमएम नरवाने किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे? इटली में। किस भारतीय मूल के अमेरिकी को ग्रेट इमिग्रेट ऑफ 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया? कमलेश लुक्का और गीता गोपीनाथ को। किस संगठन ने टीवी कक्षाओं को स्कूलों में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसरो ने। किसने इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की? CBSE ने। पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? जैकोबाबाद में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया गया? जयपुर में। किस देश में स्थित ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? फिलीपींस। फसल बीमा सप्ताह 2021 कब मनाया गया? 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य में। लॉन्च पुस्तक जनक सुता सुत सौर्य नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री F1 फार्मूला 1 रेस 2021 किसने जीती? मैक्स वेरस्टैपेन ने। ऊपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? विराट कोहली। केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की सूचना देने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया? आत्मनिर्भर कृषि। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय नौसेना के एथलीट कौन बने? MP जाबिर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी? लखनऊ। किस राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दिया? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। किस भारतीय को टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए ध्वजवाहक के रूप में चुना गया? मारियप्पन थंगा वेलु को। किस भारतीय पहलवान पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? सुमित मलिक। किस देश के रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हुआ? अमेरिका। किस देश में चीन द्वारा निर्मित VT-4 युद्धक टैंकों को अपने शस्त्रागार में शामिल किया गया? पाकिस्तान। अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट AJNIFM ने किस कंपनी के साथ प्रौद्योगिकी एवं उत्कृष्टता के लिए समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट। फ्रेंड्स, बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।